इसको आपको लिए हुए कितने साल हो गए? ये मेरे को हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। प्रॉब्लम सुनिए भैया की। प्रॉब्लम ये चलते चलते गाड़ी गर्म जब हो जाती है तो अपने आप बंद हो जाती है, फिर उसको जब चाबी कट करके फिर चालू करो तो फिर चालू हो जाती है। अच्छा, आधा किलोमीटर तो 100-200 चलेगी, फिर ऐसे कहानी रहेगी। अच्छा, आंटी वोटी कुछ नहीं चेकअप किए? नहीं किए। नहीं, 80 किलोमीटर बोले हैं, 85 जाती नहीं, 70 किलोमीटर जाती है। अभी ये चल गया 29,000। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में भाई आप लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूँ महिंद्रा ट्रियो का रिव्यू, जो कि भाई ने लिए हैं ओनर है इनके। ठीक है, ये ट्रियो प्लस नहीं है, ये महिंद्रा ट्रियो है, इनके ओनर है। साथ में मैंने आप लोग को इससे पहले बहुत से शोरूम में खड़े होकर ई रिक्शा दिखाया है। मैं आज आप लोग को इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि कस्टमर लेने के बाद गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है और गाड़ी में क्या क्या काम आता है। तो दिनेश भी है अपने साथ, और दिनेश भैया कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। तो ये बताओ, ये आपकी महिंद्रा ट्रियो है ना? जी, ट्रियो प्लस है। ट्रियो है ना? हाँ, ट्रियो। इसको आपको लिए हुए कितने साल हो गए? ये मेरे को हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। ये आपने कैश ली रही या किस्त में ली थी? कैश लिए थे। कैश ली थी। हाँ। तो ये कितने की पड़ गई थी आपको? ये पड़ गई थी हमको 240 की। 240 की। तो गाड़ी की एक बार आप देखो कंडीशन, ज्यादा अभी चली भी नहीं है, बहुत अच्छे से रखे हैं भैया ने। देखो गाड़ी की कंडीशन एक बार, तो बहुत ही मस्त कंडीशन भैया ने बना के रखे हैं गाड़ी की। तो भैया इसमें अभी तक आपको कुछ खामी लगी है या अच्छा ही कुछ गाड़ी की? चलने में और बैठने में अच्छी गाड़ी, पर अच्छी परफेक्ट है चलने और चढ़ने में। हाँ। ज्यादा अभी महिंद्रा बोलती है इसको टेक एक में लेके चढ़ जाओ। हाँ, तो इसमें सवारी बैठा के आपने कितनी सवारी बैठा के आपने टेक में चढ़ा रखी है? अपन कम से कम 4 सवारी तो बैठा ही लेता है। चार सवारी आपने बैठा के चढ़ाई है टेक में? टेक में कभी गाड़ी रोई है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हल्का स्लो हो जाती है, हल्का स्लो होती है, टेक में चढ़ जाती है, कभी रुकती तो नहीं है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी बात है, भैया बता रहे हैं यानी आपको 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर अभी तक ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है। अच्छा, एक ही प्रॉब्लम है, बता दीजिए प्रॉब्लम, बता लीजिए। तो गाइस प्रॉब्लम सुनिए भैया की। प्रॉब्लम ये चलते चलते गाड़ी गर्म जब हो जाती है तो अपने आप बंद हो जाती है, फिर उसको जब चाबी कट करके फिर चालू करो तो फिर चालू हो जाती है। अच्छा, आधा किलोमीटर तो 100-200 चलेगी, फिर ऐसे कहानी रहेगी। अच्छा, या फिर 1-2 घंटे इसको रेस्ट दे दो। अच्छा, हीटिंग प्रॉब्लम। हाँ। तो गाइस हीटिंग प्रॉब्लम आता है, हीटिंग प्रॉब्लम क्यों आता है? गर्मी देख रहे हो इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ऊपर से इसमें लगी है मोटर। क्या अपन रेगुलर जैसे गाड़ी चलाते हैं ना तो इसको कूलिंग नहीं मिल पाती है। ठीक है, यानी उस तरीके से भाई चल रही है, टेक वगैरह में चढ़ा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं घाट में, यानी आप किस तरीके की लोकेशन में गाड़ी चला रहे हो उस तरीके से भी डिपेंड करता है। तो भैया बता रहे हैं जब ज़्यादा गर्म हो जाती है गाड़ी तो यानी बंद करके चालू करना पड़ता है, तो इसमें ओवर हीटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि मेरे ख्याल से महिंद्रा निपटा सकती है, कि इसमें थोड़ा सा कूलेंट वगैरह का यानी कि ऐसा कुछ लगा के दे जो कि मोटर को कूलिंग करता रहे, यानी खड़ी गाड़ी में भी यानी थोड़ा बहुत कूलिंग करता रहे। जैसा कि अभी आजकल की गाड़ियों में आ रहा है, थोड़ी थोड़ी गाड़ियों में मैंने देखा है, इसमें भी कूलिंग सिस्टम आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो रिजॉल्व हो जाएगा जरूरी है। और कोई कमी है गाड़ी के अंदर? कमी ये है कि इसका फाइबर जो दिया ना, ये फाइबर की जगह में अब लोहा देना चाहिए। तो ये भाई ये वाला तो महिंद्रा ने सुन ली है। तो ट्रियो प्लस में तो इसका ये पूरा फाइबर का हटा के इनने पूरा स्टील का फ्रेम दे दिया है सामने से, जो कि भैया बोल रहे हैं दे दिया है। हाँ, आपका ट्रियो प्लस में आ गया है। हाँ। आपका पुराना हो गया ना। हाँ। ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है ये। हाँ। फाइबर नहीं है। हाँ। अच्छा वाला फाइबर है। हाँ, ये फाइबर नहीं क्या ऐसे अगर इसमें कुछ ठोके कुछ ना होना। हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये क्या है, बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की रहती है ना कि भैया इसमें लोहा लग के आना चाहिए, तो लोहा कंपनी ने दे दिया ऑलरेडी, ट्रियो प्लस में आ चुका है। ये ट्रियो है, महिंद्रा की ट्रियो है। बाकी मैंने आपको कंडीशन देखो भाई गाड़ी की बहुत ही अच्छी है। तो भैया आपने अभी तक इसको कितने किलोमीटर चला दिया है? अभी ये चल गया 29,000। 29,000। हाँ, 29,000 गाड़ी चली है, और कंडीशन देखो गाड़ी कितनी अच्छी है। तो इसमें मैट वगैरह लगा के नहीं दिए थे क्या कंपनी? मैट तो नहीं दिया ना, मैट तो वही खासियत है, मैट नहीं दे रहा, किसी की भी कंपनी नहीं दे रही। तो भैया इनको मैट नहीं मिली है साथ में, लेकिन ऐसे ऐसे खराब। हाँ, ये पूरा घिस रहा है, मैट रहती है तो ये पूरा घिसता नहीं है। ठीक है, तो इसकी बैटरी में आपसे कुछ बोलना चाहोगे बैटरी के बारे में, कि बैटरी ऐसा कुछ है कि गाड़ी में बैटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है? 85 किलोमीटर बोले हैं, 85 जाती नहीं, 70 किलोमीटर जाती है। 70 किलोमीटर? हाँ। और कंपनी वाले कितना दावा कर रहे थे अभी तक? कंपनी वाले 85 बोलते हैं, 84। 84? और ये चलती कितनी एग्जैक्टली? 70 जाती है। 70 जाती है। हाँ। और जैसे टेक वगैरह में चढ़ाते हैं गाड़ी तो कुछ कम होता है क्या? एवरेज बाटी खाती है ना, एवरेज खाती है, एवरेज खा जाती है। तो आपको अभी तक कितना दे रही है एवरेज? अभी मेरे को 70 दे रही है। अगर चढ़ाइया चढ़ाओ तो 2-3 मुतैसे खा जाए, प्लेन में तो 70 देती है। 70 दे देती है। तो भाई ये बात सुनो कि गाड़ी टेक में चलने के बाद एवरेज खा रही है,
इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी भी थोड़ा अपग्रेड होना है ना गाड़ी के अंदर, आप ये बोल रहे हो। हाँ थोड़ा। तो यानी कि जैसा भैया बता रहे हैं कि गाड़ी चलाते तो सही है, गाड़ी चलती भी है, उन लोग बोलते कितना 85 बोले थे आप। हाँ 84-85 बोले थे, और भैया को एवरेज मिल रहा है 70 का। 70 से भी कम हुई है, 70 ही नहीं, 70 तो अभी दे रही है, अभी 70 दे रही है। तो गाइस 70 का एवरेज अभी गाड़ी दे रही है फिलहाल पे। और 1.5 साल में अभी तक आपसे पैसे कितने मांगी है गाड़ी ने, पैसा कितना लगा चुके हैं अभी गाड़ी में? अभी अपना ने गाड़ी पे ज्यादा नहीं, अभी 2 सर्विसिंग हुई, इसके अलावा कुछ अभी नहीं लगा। सर्विसिंग में कितना पैसा लगा था? सर्विसिंग में 600 रुपये लगा था। 600 रुपये, उसमें क्या आपका देखे थे इन लोगों ने? खाली ऑयल पलटी की है। अच्छा ऑयल पलटी की है, बस हो गया बस। हाँ और बैटरी वगैरह चेकअप हुआ? बैटरी वोटरी कुछ नहीं चेकअप की है। नहीं की है? नहीं। तो कंपनी वालों ने आपको वारंटी कितने साल की दी है बैटरी में? बैटरी के 2 साल की दिए रहे। 2 साल की दिए थे। हाँ। 1.5 साल आपको लिए। हाँ। हो गया है ना। और मोटर वगैरह की? मोटर की तो 1 साल की, 1 साल की मोटर की है, 1 साल। हाँ। चार्जर की है। अच्छा। हाँ। और चार्जिंग, यानी चार्जिंग का सबसे पहले मेन फंडा, तो चार्जिंग कितना ले रही है ये गाड़ी, यानी चार्जिंग होने में कितने मिनट ले रही है? चार्जिंग में तो गर्मी में, गर्मी धूप इतनी समय है ना, तो नहीं हो गया, इसको ठंडा होना चाहिए। ठंडा होना चाहिए, वही कूलिंग सिस्टम या रात ओवर हीटिंग सिस्टम। रात में लगाएंगे तो जल्दी चार्ज होगी 2.5 घंटे में, और दिन में लगाओ तो 8-6 घंटे लगेगी चार्ज इस समय धूप में। अच्छा गर्म होने। हाँ। तो यही ओवर हीटिंग का इशू है इस गाड़ी के साथ थोड़ा सा, जो कि महिंद्रा मेरे ख्याल से सही कर सकती है। बाकी ओवरव्यू गाड़ी लेने में कैसी है? यानी गाड़ी लेना चाहे तो ले सकता है। गाड़ी तो अच्छी है, गाड़ी में कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाली गाड़ी से। तो एक बार ये बताओ गाड़ी जैसे स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड बहुत कम नहीं है ना, स्पीड इसकी 27 तो दिया ही है, 26-27। कंपनी कितना बोली आपसे? 26-27। और चलती कितना है अभी? वही चल रही है 26-27। तो गाइस थोड़ा सा स्पीड को लेके इशू है, स्पीड कम से कम 40 होना चाहिए, कम से कम किसी को जल्दी जाना होनी चाहिए, कम से कम 30 से 40 ज्यादा ही हो जाएगी, 30 होनी चाहिए मैक्सिमम। जो और गाड़ियां हैं तो उनकी तो स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है। तो स्पीड नहीं है इसी कारण तो अच्छा एवरेज दे रही है गाड़ी अभी तक, यानी कुछ आपको टेक वगैरह में भी दिक्कत नहीं आई है। तो गाइस गाड़ी में बस थोड़ी सी एक आध दो ही है जो प्रॉब्लम फेस की है भैया ने 1.5 साल के अंदर, जो कि इनका फाइबर का था ये तो रिजॉल्व कर दी कंपनी ने। इनका ओवर हीटिंग का इशू बता रहे हैं, जो कि चार्जिंग में जे आप रात में लगाते हैं तो 2.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है, और जैसे दोपहर में लगाते हैं तो ये मुश्किल से कहते हैं 4 घंटे ले, 4-5 घंटे ले लेती है, क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण ना तो जो चार्जिंग रहती है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो उसका इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये गाड़ी वैसे कैसी है? ये गाड़ी तो बेस्ट है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में कोई दिक्कत। सिर्फ क्या है कि जैसे चलने में 80-100 देना चाहिए, 100 किलोमीटर 100 एवरेज। तो भाई गाड़ी में एवरेज मांग रहे हैं, जो कि भैया बोल रहे हैं कि 70 का एवरेज दे रही है, तो 100 किलोमीटर चलनी चाहिए, है ना? चलना चाहिए। हम सवारी जब दिन भर तो घूम ली है, जब सवारी मिलने का टाइम हुआ तो बैटरी नहीं है। सही बात है। तो भाई कंपनी वालों को थोड़ा सा महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए अपनी गाड़ी के ऊपर, यानी कि आपने जो थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर दो, यानी अपग्रेड कर दो इस गाड़ी में। भैया अभी बोल रहे हैं 70 का एवरेज दे रही है, आप लोग 84 का बोल रहे हैं, उनको 70 का मिल रहा है, हो सकता है कि कुछ हो, या हो सकता है कि भाई कुछ बैटरी में अभी कमी हो, या इनका भी हो सकता है कुछ फॉल्ट, की गाड़ी के रास्ते से भी लेना देना बहुत होता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे महिंद्रा सुन रहा है, यानी महिंद्रा वाले कोई देख रहे हैं ये वीडियो, तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि 70 का इनको मिल रहा है एवरेज, ये चाह रहे हैं कि 100 का एवरेज मिले गाड़ी में, है ना? 100 का एवरेज मिलना चाहिए, 100 का एवरेज मिलना चाहिए। तो बाकी दिनेश भी बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद भाई। तो गाइस यार देखा, यानी आप लोग भी एक प्लान कर रहे हो महिंद्रा टायरो लेने के लिए, तो भाई आ सकते हो, गाड़ी में कुछ भी कमी नहीं है, बस ओवर हीट को लेके, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है भाई, ओवर हीट तो होना ही होना है, लेकिन इसका महिंद्रा कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेगा आने वाले समय में, हो सकता है। और बाकी आप लोग ऐसी कोई वीडियोस चाहिए हो, यानी आपको कंपेयर करके बताना है, यानी आप लोग चाहते हो कि मैं कंपेयर करके बताऊँ कोई ई रिक्शा को, जैसे कि बहुत सारे ई रिक्शा है मार्केट में, आप चाहते हो कि मैं ऐसी वर्सेस करके वीडियो बनाऊँ, तो कॉमेंट कर देना, तो मैं वर्सेस करके आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। तो बहुत ही मेहनत लगती है, तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को, और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी आई बटन में आ रही है, ये रहा थंबनेल, चेक कर लें। तो गाइस मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।